हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ पैकिंग्स। पैकिंग्स मीन्स क्या होता है और उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पूरा डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में दोस्तों। सो टाइप्स ऑफ पैकिंग्स देखते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एफिशिएंट गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट, गैस लिक्विड का कॉन्टैक्ट के लिए मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग्स आर अवेलेबल इन रेंजिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स की पैकिंग्स अवेलेबल है फॉर गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट के लिए। सो द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स बट ज्योमेट्रिकल जनरली क्लासीफाइड एज अ रैंडम पैकिंग्स एंड रेगुलर पैकिंग्स। दो टाइप्स की पैकिंग्स होती है, क्लासीफाइड करते हैं, एक रैंडम पैकिंग रहती है और एक रेगुलर पैकिंग्स रहती है। इफ द पैकिंग्स आर सिंपली डम्प्ड इनटू द टावर, जो पैकिंग सिंपली रखी जाती है टावर में उसको बोलते हैं, उस टावर में जो पैकिंग्स रहती है उसको, उस पैटर्न को बोलते हैं रैंडम पैकिंग्स। बट जो पैकिंग्स आर अरेंज पर्टिकुलर पैटर्न में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टैक्ड पैकिंग। ये दो टाइप्स आपको ध्यान में रखना दोस्तों, इंडस्ट्री में ये दो टाइप्स की पैकिंग्स रहती है, एक रहती है रैंडम पैकिंग और एक रहती है रेगुलर पैकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये टाइप्स ऑफ पैकिंग है पॉल रिंग, सेकंड है क्रॉस पार्टीशन रिंग, सेकंड है इंटरलॉक सैडल, थर्ड एंड फोर्थ है सुपर इंटरलॉक सैडल, एंड ये फिफ्थ है इंटरलॉक सैडल, और ये लेसिंग रिंग है और ये रैशिंग रिंग है। ये बहुत ही टाइप्स ऑफ पैकिंग्स है। इन केस ऑफ रैंडम पैकिंग्स इंस्टॉल्ड इन ऑप्टेन ऑफ द हाई एंड परफ्यूर यूनिफॉर्म वॉइडेज एंड अ प्रिवेंटिंग ब्रेकडाउन ऑफ टावर फर्स्ट फिल्ड विथ लिक्विड एंड पैकिंग वेन द डम्प इन टू इट। ये पैकिंग को सिंपली रखते हैं। द कॉमनली रैंडम पैकिंग्स आर द इंडस्ट्रियल टावर्स ऑफ रैशिंग रिंग, पॉल रिंग, हाई पैक, बल्ब सैडल या इंटरलॉक सैडल, ये टाइप्स ऑफ पैकिंग्स है, सुपर इंटरलॉक सैडल एक्सेट्रा। ऑल पॉल रिंग्स आर द इंटरलॉक सैडल परमिटेड कमर्शियल टावर डिजाइन एंड रिप्लेसिंग ऑर्डर ओल्डर रैशिंग रिंग एंड बल्ब सैडल्स। पॉल रिंग्स आर मेड अप ऑफ द मेटल एंड प्लास्टिक, पॉल रिंग जो रहती है मेटल और प्लास्टिक से बनी रहती है, पॉलीप्रिल एंड हैव द सेम जनरल फॉर द रैशिंग रिंग्स एंड हाइट इक्वल्स ऑफ डायमीटर एंड हैव द पार्टीशंस ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर बट ऑल द प्रोजेक्शंस बेंट इनवर्ड्स लिविंग होल्स इन द वॉल। दे आर जनरली अवेलेबल साइज ऑफ रेंजिंग ऑफ 60 to 50 mm, 5x2 mm। बल सैडल और इंटेलेक्ट सैडल आर अवेलेबल इन द रेंजेस ऑफ 6 to 50 mm, जो बल सैडल रहते हैं 6 to 50 mm फॉर्म एंड प्लास्टिक और सिरेमिक से बनी रहती है, और दे प्रोवाइड अ गैस लिक्विड कॉन्टेक्ट ऑन द रैशिंग रिंग। सो रैशिंग रिंग आर हॉलो सिलेंडर विद देयर लेंथ, हॉलो सिलेंडर रहती है लेंथ में, एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द यूजली फॉर्म बाय द सिरेमिक कार्बन एंड मेटल, सिरेमिक कार्बन और मेटल से बनी हुई रहती है, एंड दे आर जनरली अवेलेबल इन साइज ऑफ द 6 to 100 mm एंड 1x4 to 4 in। दे आर सिंपल एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटिवली चीप, ये सस्ती रहती है एज कम्पेयर टू द अदर पैकिंग्स। दे आर सिंगल वेव एडेड ऑफ द अदर एडेड इन इनसाइड ऑफ द रस्टिंग रिंग, द पैकिंग्स आर कॉल्ड लेसिंग रिंग, लेसिंग रिंग की पैकिंग बोलते हैं, एंड वेन क्रॉस वेव एडेड ऑफ द लेसिंग रिंग एंड देन द पैकिंग्स आर फॉर्म कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, क्रॉस पार्टीशन रिंग एडेड एंड प्रोवाइडेड एडिंग एक्टिव सर्फेस। दे आर नॉर्मली अवेलेबल इन द साइज रेंजिंग फ्रॉम 70 to 5 to 150 mm एंड 3 to 6 in एंड यूजली यूज इन स्टैकिंग पैकिंग। स्टैक पैकिंग्स आर ऑफर लोअर प्रेशर ड्रॉप एंड गैस एंड रैंडम पैकिंग्स आर इक्विवेलेंट फेस फ्लो रेट्स। चैनलिंग इन पैक कॉलम, अभी चैनलिंग मीन्स क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ऑब्टेन लिक्विड इज सेग्रीगेट टूवर्ड्स द वॉल, जो लिक्विड रहता है वो सेग्रीगेट होता है टूवर्ड्स द वॉल ऑफ पैक कॉलम। द पैक कॉलम द फ्लो अलोन द वॉल इज टर्म्ड एज चैनलिंग, उसको बोलते हैं चैनलिंग। दे लीड्स टू द लो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड अ गुड इनिशियल लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडमली पैक कॉलम एंड चैनलिंग मिनिमाइज द प्रोवाइडिंग द टावर डायमीटर एंड पैकिंग साइज ऑफ द रेशियो ग्रेटर दैन द 8। द डायमीटर ऑफ द टावर शुड बी लिस्ट 8 टाइम्स ऑफ द पैकिंग्स एंड द साइज ऑफ द पैकिंग स्मॉलर एट लीस्ट 1/8 ऑफ द टावर डायमीटर। इन पैक कॉलम द रीजन ग्रेटेस्ट वाइट स्पेसेस एंड रीजन दियर ऑल ऑफ द कॉलम्स इज द पैकिंग मटेरियल कैन नॉट नियर निस्ट टाइटली इन द प्लेन वॉल एंड इट डज नॉट विद द हेल्प डज विथ इट्स इट इज नेचुरली टेंडेंसी फॉर द लिक्विड टू मूव थ्रू टूवर्ड्स द रीजन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइट स्पेस ड्यूरिंग द फ्लो। अभी हाइट इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट स्टेज थियोरेटिकल प्लेट, इसको HET भी बोलते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछते दोस्तों, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। द हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट्स HET इज द हाइट ऑफ सेक्शन ऑफ पैकिंग, जो हाइट रहती है सेक्शन ऑफ पैकिंग की, दैट विल सेम सेपरेशन ऑफ द एक्चिव विद द थियोरेटिकल प्लेट, सेम सेपरेशन ऑफ द एक्चिव करता है थियोरेटिकल प्लेट को, उसको बोलते हैं HET, इसको HET बोलते हैं। सो
HTTP is a determined experimentally in the characteristic of this packing. It depends upon the type of the size and packing, the flow rates of the packing sub concentration, the height of the packing's columns, requires effects of the given degree separations calculated multiplying the number of theoretical plates required for the same degree of the separation of HTTP. So liquid distribution kaise hota hai? For maximum active surface of area, the packing would be weighted completely descending liquid and can be achieved by proper distribution. Packing mein kya hota hai? Weighting hota hai. एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड से तो क्या होगा एफिशिएंट कॉलम ऑफ ऑपरेशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड एंड टॉप ऑफ द पैक इसेंशियल द लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइस स्प्रेड्स द लिक्विड यूनिफॉर्मली क्रॉस टॉप ऑफ द पैकिंग द सेवरल टाइप्स ऑफ लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर यूज्ड परफोरेटेड पाइप डिस्ट्रीब्यूटर ओरिफिस टाइप डिस्ट्रीब्यूटर थ्रो टाइप डिस्ट्रीब्यूटर एंड वेजर टाइप वाइजर डिस्ट्रीब्यूटर ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स है ये आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको समझने के लिए इन पैक कॉलम द पैकिंग सपोर्टेड मस्ट बी सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग एट इज कैरीज द वेट ऑफ द एंटायर पैक बेड एंड द सेम डायमीटर मस्ट बी द लार्ज फ्री एरिया ऑफ द पैसेज ऑफ द गैस एंड द फेस ऑफ द ऑप्टेन वेरी लार्ज रेजिस्टेंस फॉर द फेसेस अभी ये छोड़िए आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं बस आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि क्या है जो पैक कॉलम है उसमें क्या रहता है पैकिंग इश्यूज होते हैं सो ये जो है मेरिट्स है ये मेरिट्स है कि क्या होता है पैक कॉलम में पैक कॉलम के कुछ मेरिट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों सो क्या है पहला मेरिट द प्लेट कॉलम्स ऑपरेट्स वेरी वाइड रेंज ऑफ लिक्विड फ्लो थ्रू आउट द फ्लडिंग सेकंड है प्लेट कॉलम्स आर रिपीटली मिसिंग एंड सेपरेशन प्रोवाइड बाय द पॉजिटिव कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्लूइड फेस वेयर एज द पैक कॉलम लीड मे लीड टू द बैक मिक्सिंग और बाय पासिंग सो थर्ड क्या है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज आर एसिड डिस्पर्शन लिक्विड एंड पैक कॉट आवर द प्लेट कॉलम्स आर मोर रिलेबल इन द नीड फॉर द लेस सेफ्टी फैक्टर्स एंड लिक्विड टू गैस मास वेलोसिटीज रेशियोज फोर्थ है साइड स्ट्रीम्स आर वेरी इजीली टेकन आउट फ्रॉम द प्लेट टावर्स और फिफ्थ फॉर प्लेट टावर्स डिजाइन इन्फॉर्मेशन जनरली मोर इजीली रेडीली अवेलेबल एंड फॉर द मोर रिलेबल दैन द पैक टावर्स सो ये ऐसे जो है कुल मिला के जो दोस्तों ये मेरिट्स है और डीमेरिट से ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है भी सिंपली आपको थोड़ा सा पढ़ना है पढ़ के आपको समझ आएगा दोस्तों कि बहुत सिंपल है और इसका जो कंपैरिजन है वो कम ही पूछते हैं एग्जाम में बट अपन जो अपन देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपन जो देखेंगे दोस्तों एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत इजी है सो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सो अमोनिया फ्रॉम अमोनिया एयर मिक्सचर इज अब्सॉर्ब बाय एब्जॉर्प्शन टावर यूजिंग वाटर एब्सॉल्वेंट डाटा ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम एज फॉलोस तो क्या बताया रहे कि अमोनिया जो है अमोनिया फ्रॉम अमोनियम एयर मिक्सचर से एब्जॉर्ब हो रहा है एब्जॉर्प्शन टावर में यूजिंग एज वाटर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं डाटा एब्जॉर्प्शन सिस्टम एज फॉल्स एयर फ्लो रेट दिया है अपने को 200 के जी पर आवर लिक्विड फेस कंपोजिशन दिया है एट द टॉप ऑफ द ओपनिंग में से 0.00013 के जी पर एन एच थ्री पर के जी ऑफ वाटर एंड एट द बॉटम ऑफ द पैकिंग 0.006 के जी ऑफ एन एच थ्री एंड के जी ऑफ वाटर गैस फेस कंपोजिशन का भी दिया है और वैसे ही अपने को टॉप ऑफ पैकिंग का भी दिया है कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ द वाटर एंटरिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन टावर कितना वाटर एंटर हो रहा है एब्जॉर्प्शन टावर में वो अपने को कैलकुलेट करके निकालना है तो सिंपल है अपने को यहाँ पे क्या लिखना है बेसिस लिखना पड़ेगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसका क्या लिखते हैं बेसिस तो बेसिस क्या लिखेंगे 200 के जी पर आवर ऑफ एयर फ्लो ऑफ एब्जॉर्प्शन टावर एयर फ्लो रेट ये लिखेंगे अपन बेसिस पे सो एक एब्जॉर्प्शन टावर बना है अपन ने सिंपल एब्जॉर्प्शन टावर का पूरा डायग्राम है सिंपल ऐसा ऐसा डायग्राम बना है क्या जा रहा है क्या निकल रहा है वही अपने को बताना है ऐसा डायग्राम है सो क्या है यहाँ पे लिक्विड इन हो रहा है लिक्विड जा रहा है तो लिक्विड निकल रहा है लिक्विड प्लस सॉल्वेंट निकल रहा है सो यहाँ पे क्या जा रहा है गैस जा रही तो गैस ऊपर से बाहर निकलेंगी सो 2000 के ये एयर जो है 200 के जी पर आवर से है अपन यहाँ पे गिवन दिया है सो अपने को एक्स डैश मीन्स क्या होता है एन एच थ्री कंपोजिशन ऑफ द बॉटम जो एन एच थ्री कंपोजिशन ऑफ बॉटम से जा रहा है वो अपने को दिया गया था यहाँ पे 0.006 एन एच थ्री ऑफ के जी टू
एंड एक्स डैश टू क्या होता है, एन एच थ्री 0.00013 केजी ऑफ एन एच थ्री पर एन एच टू कंपोजिशन ऑफ टॉप से जो है, टॉप से जो अमोनिया है वो है यहाँ पे दिया है अपने को। सो वाई वन क्या है, एन एच थ्री कंपोजिशन ऑफ इनलेट ऑफ द टावर, कंपोजिशन ऑफ इनलेट में टावर के है जो यहाँ पे दिया है अपने को। और वाई टू क्या है, एन एच थ्री कंपोजिशन ऑफ आउटलेट फ्रॉम द टावर, जो ये भी अपने को दिया गया है। सब कुछ अपने को दिया हुआ है, सब नोटेशंस आपको ध्यान में रखना है वाई वन एक्स वन से। सो एल डैश निकालने अपने को और वी डैश, एल डैश मीन्स का तो मास प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूट फ्री सॉल्वेंट के जी पर आवर में निकलेगा, और वी डैश मास प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूट गैस में रहेगा वो के जी पर आवर में निकलेगा, इसका यूनिट के जी पर आवर रहता है। सो अपने को क्या यूज़ करना है, फॉर्मूला फॉर एब्जॉर्प्शन टावर ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकलना है अपने को, वी डैश वाई वन माइनस वाई टू इक्वल्स टू एल डैश एक्स वन माइनस एक्स टू, ये अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना है दोस्तों। मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा वीडियो। ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, वैल्यूज पुट अप करनी है, और कैल्सी में अपने को वैल्यूज निकालनी है। कैल्सी में निकलेंगी एल डैश की वैल्यू 1362.86 केजी पर आवर में निकलेगा, और सिर्फ उसके बेसिस पे अपने को क्या यही निकालना था, और यही वैल्यू जो है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर है। सो जो वी की वैल्यू थी वो 200 थी, ये दिया था आपने। सो सारा निकाल के अपने को ये 1362.86 केजी पर आवर ये वैल्यू निकल गई है। तो इतना जो वाटर था वो था सोल्यूट फ्री। तो यही था दोस्तों, बहुत इजी था, ये प्रैक्टिस के लिए रहता है, एग्जाम में ऐसे टाइप के आते हैं बहुत से न्यूमेरिकल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाए दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। और कुछ डिफिकल्टीज होंगी तो मेरे को कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा दोस्तों जल्दी से जल्दी। सो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक डूडू बाय, सी यू, टेक केयर।